हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हिंदी वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, मतलब हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एक हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और सीखते हैं कि कैसे आसान तरीके से आप हिंदी वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं इसको ट्रांसलेट करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए या इंग्लिश वाले सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए मैंने कुछ ट्रिक बनाए हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर आपको वो ट्रिक नहीं पता। तो अगर आपको वो ट्रिक नहीं पता तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए ताकि आप वो ट्रिक जान सकें, फिर आपको ये बात समझ में आएगी। और अगर आप ये रूल जानते हैं तो फिर आपको ये स्टोरी बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, एक बार की बात है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं वंस अपॉन अ टाइम। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। आइए फ्रेंड्स, अब आगे ट्रांसलेट करते हैं। यहां लिखा हुआ है एक व्यापारी था, तो इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हम लिखेंगे देयर वाज अ बिजनेसमैन। तो फ्रेंड्स, अब आप सोचेंगे यहां देयर कैसे आ गया, यहां देयर का क्या यूज है? अगर आप देयर के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को देखिए, मैंने यहां देयर के बारे में डिटेल से बताया है। आइए फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। वह मिलावटी घी बेचा। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? जो वर्ड सबसे पहले है उसका अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आएंगे। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, सबसे पहले लिखा है वह, उसका अंग्रेजी होगा ही। लास्ट में लिखा है बेचा, उसका अंग्रेजी होगा शोल्ड। बेचने को इंग्लिश में कहते हैं सेल, लेकिन जब बात गुजर जाए तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट, यानी गुजरी हुई बात को हम सेकेंड फॉर्म की मदद से ट्रांसलेट करते हैं और सेल का सेकेंड फॉर्म सोल्ड होता है। और यहाँ लिखा है मिलावटी घी, तो मिलावटी को इंग्लिश में कहते हैं अडल्ट्रेटेड। अडल्ट्रेटेड घी यानी मिलावटी घी। हो सकता है फ्रेंड्स आप सोचें कि सबसे पहले लिखा था घी, उसके बाद लिखा था मिलावटी, मैंने दोनों को जोड़कर क्यों लिखा? जैसा कि मैंने कहा, जो वर्ड सबसे पहले है उसका अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखें, फिर पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आए। तो लास्ट में था बेचा, मैंने लिखा सोल्ड, उसके बाद लिखा हुआ था घी, तो मुझे लिखना चाहिए घी, उसके बाद मुझे मिलावटी का अंग्रेजी लिखना चाहिए था। आप ऐसा सोच सकते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स, वो वीडियोस देखने की जरूरत है जहां मैंने तरीका बताया हुआ है, जहां मैंने ट्रिक के बारे में बताया है कि आप इस ट्रिक को कैसे यूज करेंगे। बाय द वे, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है, यानी कोई एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे कि वो ऐसा है या वैसा है, तो जब आपको इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे तो नाउन प्लस एडजेक्टिव दोनों को एक ही साथ जोड़कर लिखा जाता है, आप उसे अलग अलग नहीं कर सकते। यहां पर भी एक नाउन है और मिलावटी एडजेक्टिव, तो जब हम इसे लिखेंगे तो हम इसे जोड़ कर लिखेंगे, क्योंकि ये जो वर्ड है इस नाउन के बारे में कुछ बता रहा कि ये नाउन कैसा था, तो इसीलिए मैंने लिखा अडल्ट्रेटेड ही, यानी दोनों को एक साथ जोड़कर लिखा। आगे भी फ्रेंड्स, अगर आपको कोई एक ऐसा नाउन मिले जिसके पहले कोई ऐसा वर्ड लिखा है जो उस नाउन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वह नाउन ऐसा है या वैसा है, तो आप उन दोनों वर्ड्स को एक साथ जोड़कर लिखेंगे, आप उन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे फ्रेंड्स, अगर मैं कहूं एक अंधा लड़का यहां आ रहा है, तो फ्रेंड्स यहां मैं एक नाउन की बात किया, वो था लड़का, लेकिन उस नाउन के पहले मैंने एक ऐसा वर्ड बोला जो उस लड़के के बारे में बता रहा, यानी उस नाउन के बारे में बता रहा कि वो नाउन कैसा है, ऐसा है या वैसा है, अंधा है या आंख वाला है। तो इस तरह के वर्ड जो किसी नाउन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, और इस तरह के वर्ड उस नाउन से अलग नहीं होते बल्कि दोनों को एक ही साथ लिखा जाता है। अगर मैं कहूं एक गरीब भिखारी सड़क पर भीख मांग रहा है, तो यहां मैं बात एक भिखारी की कर रहा,
भिखारी एक नाउन है, बट उसके पहले मैंने एक वर्ड बोला गरीब, और ये एक ऐसा वर्ड है जो उस भिखारी की कंडीशन बता रहा। तो जब हम इसका ट्रांसलेट करेंगे तो भिखारी और गरीब दोनों की अंग्रेजी एक ही साथ लिखी जाएगी, आप इसे अलग अलग नहीं कर सकते। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। गांव वाले उसके खिलाफ आवाज उठाए, सबसे पहले लिखा है गांव वाले, हम लिखेंगे द विलेजर्स। आइए फ्रेंड्स अब पीछे चलते हैं और पीछे से एक एक वर्ड का अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आते हैं। उठाए रेज्ड, आवाज द वॉइस, खिलाफ अगेंस्ट, और उसके को कहते हैं हिम। अगर हम बात किसी मेल की करें तो, अगर बात किसी फीमेल की होती तो हम हर का यूज करते। गांव वाले उसके खिलाफ आवाज उठाए, द विलेजर्स रेज द वॉइस अगेंस्ट हिम। आइए फ्रेंड्स अब आगे ट्रांसलेट करते हैं। मुखिया उसे बुलाया, सबसे पहले लिखा है मुखिया, हम लिखेंगे द हेड। पीछे आइए, बुलाया कॉल्ड, और उसी को अंग्रेजी में कहते हैं हिम। मुखिया उसे बुलाया, द हेड कॉल्ड हिम, और ये कंप्लीट हुआ। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ लिखा है और, हम लिखेंगे एंड। आइए अब इसे ट्रांसलेट करें। जो वर्ड सबसे पहले है उसका अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखेंगे, फिर पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आएंगे। सबसे पहले लिखा है वह, हम लिखेंगे ही। पूछा यानी आस्क्ड उससे हिम, एंड और वह उससे पूछा, एंड ही आस्क्ड हिम, क्या तुमने मिलावटी घी बेचा है। फ्रेंड्स अगर आपको कोई एक ऐसा सेंटेंस मिल जाए जिसकी शुरुआत क्या से हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना जरा भी मुश्किल नहीं होता। आप इसको वैसे ही ट्रांसलेट कीजिए जैसा कि आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस करते हैं, यानी जैसा कि आप अभी तक किए हैं, बट सिर्फ एक चेंजिंग होता है, जो हेल्पिंग वर्ब आप अंदर लिखे रहते हैं उसको स्टार्टिंग में कर देना है या उसको शुरुआत में कर देना है। कैसे, चलिए करके देखते हैं। क्या तुमने मिलावटी घी बेचा है, मान लीजिए क्या नहीं लिखा हुआ है तो आपके सेंटेंसेस होते तुमने मिलावटी घी बेचा है, आप लिखेंगे तुमने का यू, या है। फ्रेंड जब हमारे सेंटेंसेस ऐसे हो, या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म की मदद से ट्रांसलेट करते हैं। यह बात मैंने आपको पार्ट 9 में अच्छा से बताया, और मैंने आपको वहां यह भी बताया कि इस तरह के सेंटेंसेस का सेंस होता है कोई काम जल्दी ही गुजरा है या कोई काम अभी अभी खत्म हुआ है। हम लिखेंगे हैव प्लस थर्ड फॉर्म। बेचना का अंग्रेजी सेम होता है लेकिन थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा सोल्ड। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ लिखा है, अगर आपके सेंटेंसेस के शुरुआत क्या से हो, तो ये जो आपने हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है इसको अंदर ना लिखकर बल्कि आप इसे स्टार्टिंग में कर दें। और आगे लिखा है मिलावटी घी, तो आप लिखेंगे अडल्ट्रेटेड घी। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ सीखा कि अगर आपके सेंटेंसेस की शुरुआत क्या से है तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप इस तरह के सेंटेंसेस को वैसे ही ट्रांसलेट करिए जैसे आप कोई अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। बस एक जगह आपको चेंजिंग करना होगा, जो हेल्पिंग वर्ब आपके सेंटेंस में अंदर आया हुआ है उसे हम शुरू में कर देंगे या उसे हम स्टार्टिंग में कर देंगे। और फ्रेंड्स ये कंप्लीट हुआ। आइए एक बार इस पर सरसरी नजर डालते हैं, उसके बाद कहानी के अगले सेंटेंसेस को देखते हैं। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम एक व्यापारी था, देयर वॉज अ बिजनेसमैन, वह मिलावटी घी बेचा, ही शोल्ड अडल्ट्रेटेड घी। गांव वाले उसके खिलाफ आवाज उठाए, द विलेजर्स रेज्ड द वॉइस अगेंस्ट हिम। मुखिया उसे बुलाया, द हेड कॉल्ड हिम, और वह उससे पूछा, एंड ही आस्क्ड हिम, क्या तुमने मिलावटी घी बेचा है, हैव यू सोल्ड अडल्ट्रेटेड घी। आइए फ्रेंड्स आगे के सेंटेंसेस देखते हैं। वह माना कि वह मिलावटी घी बेचा, मुखिया कहा। आइए फ्रेंड्स इसको ट्रांसलेट करते हैं। वह माना, वह के लिए हम लिखेंगे ही, और किसी बात को मानने के लिए या स्वीकार करने के लिए एक्सेप्ट और कॉन्फेस का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कब एक्सेप्ट का यूज करेंगे और कब कॉन्फेस का यूज करेंगे। फ्रेंड्स गलतियों को स्वीकार करने के लिए यानी गलती मानने के लिए कॉन्फेस का यूज करते हैं, और एक्सेप्ट का यूज
गलती स्वीकार करने के लिए नहीं किया जाता है या गलती को मानने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि जब हम किसी सच बात को मानते हैं या स्वीकार करते हैं तो एक्सेप्ट का यूज करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर वह अपनी गलती को माना कि उसने मिलावटी घी बेचा, इसलिए हम यहाँ एक्सेप्ट का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ कॉन्फेस का यूज करेंगे। वह माना, ही कॉन्फेस्ड, वह मिलावटी घी बेचा। सबसे पहले लिखा है वह, हम लिखेंगे ही। अब हम पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आएंगे, बेचा सोल्ड। क्योंकि गुजरी हुई बात पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कंफ्यूज रहते हैं तो आप पार्ट 7 देखिए, आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। ही सोल्ड अडल्ट्रेटेड घी, वह मिलावटी घी बेचा। आइए फ्रेंड्स अब इसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लिखा है मुखिया, हम लिखेंगे द हेड। आगे लिखा है कहा और उसका अंग्रेजी होगा सेड। फ्रेंड्स अक्सर स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कहा के लिए कभी सेड का यूज किया जाता और कभी टोल्ड का यूज, तो कैसे जाने कब हम सेड का यूज करेंगे और कब हम टोल्ड का यूज करेंगे। बहुत इजी कंसेप्ट है फ्रेंड्स, थोड़ा सा केयर कीजिए आपको पूरा समझ में आएगा। मुखिया कहा, फ्रेंड्स जब वर्ड कहा के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो, जैसे मुझसे कहा, तुमसे कहा, उससे कहा या हम लोगों से कहा, तो वर्ड कहा के बाद जब कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो इस सूरत में कहा के लिए सेड का यूज करते हैं। लेकिन अगर कहा के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे मुखिया ने मुझसे कहा, मुखिया जल्लाद से कहा, मुखिया उन लोगों से कहा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है। जब कहा के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो कभी भी सेड का यूज नहीं करते हैं, बल्कि टोल्ड का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये बात समझ में आया होगा कि सेड का यूज हम तब करेंगे जब हमें सेट के बाद ऑब्जेक्ट न लिखना हो। क्यों? क्योंकि सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। लेकिन अगर आपके सेंटेंसेस में कोई ऑब्जेक्ट है तो आप सेट के जगह पर टोल्ड का यूज करेंगे। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करें, तुम्हें सजा मिलेगी। सबसे पहले लिखा है तुम्हें, उसका अंग्रेजी होगा यू। पीछे आइए, यहाँ लिखा है गी, गा गी गे के लिए शैल या विल का यूज करते हैं। लेकिन जब आप कोई पास्ट स्टोरी कह रहे हो, यानी कोई गुजरी हुई बात कह रहे हो, तो गागी के लिए विल का पास्ट फॉर्म उड का यूज करते हैं। तो यहाँ गा के लिए हम लिखेंगे उड। फ्रेंड्स उड के और भी कई कंसेप्ट हैं, मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है ताकि आपको उड के सभी यूज आसानी से समझ में आ सके। आप इस वीडियो को देखें अगर आप उड में कंफ्यूज रहते हैं तो। और सजा मिलेगी के लिए हम लिखेंगे बी पनिश्ड। अब आप सोचेंगे कि यह बी क्यों और पनिश का थर्ड फॉर्म क्यों, तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि ये सेंटेंस पैसु का है, यानी जब हमारा सब्जेक्ट कोई एक्शन न करे बल्कि एक्शन उसी के ऊपर हो जाए तो इस तरह के सेंटेंसेस पैसु वॉयस होते हैं, और पैसु के सेंटेंसेस में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही लिखा जाता है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर मैंने बी क्यों लिखा, तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स पैसु के सिंपल फ्यूचर में थर्ड फॉर्म के पहले बी लिखा जाता है। आइए आगे ट्रांसलेट करते हैं, तुम्हें सजा मिलेगी, यू वुड बी पनिश्ड। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है ये काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये सजा का काम इसी के ऊपर हो रहा है। इस तरह के होते हैं पैसु के सेंटेंसेस। जल्लाद तुम्हें 100 बार कोड़े मारेगा। सबसे पहले लिखा है जल्लाद, हम इसके अंग्रेजी लिखेंगे द एक्सक्यूशनर। द एक्सक्यूशनर यानी जल्लाद। आइए फ्रेंड्स आप पीछे चलते हैं और एक एक वर्ड का अंग्रेजी लिखते आगे की ओर आते हैं। यहां पर लिखा है गा, हम लिखेंगे उड। कोड़े मारना, हम लिखेंगे वाइप। और आगे लिखा है 100 बार, आप लिखेंगे 100 times। और उसके आगे लिखा है तुम्हें, आप लिखेंगे टू यू। फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप तुम्हें की अंग्रेजी पहले और 100 बार की अंग्रेजी बाद में कर सकते हैं, और जब आप ऐसा करेंगे तो ये टू नहीं लिखा जाएगा। द एक्सक्यूशनर वुड वाइप 100 times टू यू। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द एक्सक्यूशनर वुड वाइप यू 100 times।
आइए फ्रेंड्स अब इसे ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ लिखा है व्यापारी, आप लिखेंगे द बिजनेसमैन। और आइए पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आए। यहाँ लिखा है लगा, लगा मीन्स शुरुआत कर दिया, हम लिखेंगे बिगैन। बिगिन का मतलब होता है शुरू कर देना, लेकिन ये बात गुजर चुकी है तो हम बिगिन का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे जो होता है बिगैन। और रोना के लिए लिखेंगे टू वीप, व्यापारी रोने लगा, द बिजनेसमैन बिगैन टू वीप। और एंड यहां लिखा है वह कहा, सबसे पहले हम लिखेंगे ही, उसके बाद कहा के लिए हम लिखेंगे सेड, ही सेड। व्यापारी रोने लगा, द बिजनेसमैन बिगैन टू वीप। और वह कहा, एंड ही सेड, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे यानी आए। और यहां है के लिए हम लिखेंगे हैव। अब सवाल यह है कि यहां है के लिए हैव का यूज क्यों करेंगे? तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा कि जब बात रखने की हो तो हम इज आरम के जगह पर हैव हैज का यूज करते हैं। मैंने इस बात को पार्ट फोर में डिटेल से बताया हुआ है कि इज आरम और हैव हैज में क्या फर्क है, वाजवर और हैड में क्या फर्क है, शैल बी विल बी या शैल हैव विल हैव में क्या फर्क है। उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो देखे होंगे और आपको हैव हैज, हैड और शैल हैव विल हैव का यूज अच्छा से आता है। और बीच में लिखा हुआ है छोटे छोटे बच्चे, तो हम लिखेंगे स्मॉल चिल्ड्रन। अब यहां पर दो क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पहला, यहां लिखा है छोटे छोटे, लेकिन मैंने एक बार लिखा स्मॉल, क्या छोटे छोटे के लिए स्मॉल स्मॉल लिखा जा सकता है? मैं कहूंगा नहीं। कई बार हिंदी के वर्ड रिपीट हो जाते हैं, बट इंग्लिश में उसे एक ही बार लिखना होता है। और दूसरी बात, ये कैसे ट्रांसलेट हुआ? तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स, जो वर्ड सबसे पहले था मैंने उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखा, बाद वाला का अंग्रेजी दूसरे नंबर पर, और जो वर्ड्स बीच में थे उनकी अंग्रेजी तीसरे नंबर पर। अब आप सोचेंगे ये कौन सा रूल है? तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैंने दो ऐसा ट्रिक बनाया है जिसके जरिए आप बड़े आसानी से आप अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लेंगे। और पहला ट्रिक जो आपने यहाँ सीखा, जो वर्ड सबसे पहले है उसका अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखें, फिर पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आए। और दूसरा ट्रिक मैंने आपको बताया, जो वर्ड सबसे पहले है उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखें, बाद वाला का अंग्रेजी दूसरे नंबर पर, और जो वर्ड्स बीच में है उनका अंग्रेजी तीसरे नंबर पर। अब सवाल ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ट्रिक का कब यूज करना है? तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि अगर आप दोनों ट्रिक को एक साथ जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए। मैंने यहाँ दोनों ट्रिक को एक साथ बताया है कि कौन सा ट्रिक कब यूज करना है।